ब्यावन ना जुगा ना दो फेर ब्याली तुम्हारे हाथ की दो कटिया ब्याली ब्यावन है चो ना पर सही है बच्चा ले लो पकड़ के कमी तो ब्यावन रह बैठी। अम्मा ये बताओ ये जो बच्चिया जिसने छोड़ी है गलती करी करी और करी ना करी है कोई इलाज किया ना, कुछ नहीं किया सिर्फ सीमन सीमन डाला है सीमन डालने से ब्यावन रुक गई रुक गई। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये बच्चियों को छोड़ना नहीं चाहिए छोड़ना चाहिए। और 200 रुपए में आपको ये 20,000 की गाय हाथ लग गई अभी ब्याएगी तो 20-25,000 से कीमत की कम नहीं होगी ये। हेलो दोस्तों नमस्कार श्री पशुपाल भाइयों का स्वागत है आपके पेट केयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये बच्चिया है अब बताएंगे अम्मा ये कैसे कैसे इनके पास है। अम्मा राम 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 राम। मैं ये कह रहा हूँ ये बच्चिया जो तुम्हारी है ये तुमने कब पकड़ी थी? हमने वहां पकड़ी माह को महीना दिखा 2-3 महीने हो गए पकड़े हुए। हाँ 2-3 महीना ज्यादा हो गए होंगे। और 3 महीने हो गए पकड़े हुए और फिर कैसे कैसे करा बताओ कुछ इसके बारे में क्योंकि तुम्हारे पास पहले भी एक दो गाय पकड़ी वो भी हमने नहीं करी थी पिछले साल जो 2 साल पहले वो 51 रुक गई। हाँ इसके बाद तुमने ये बछिया पकड़ी। हाँ किसी छोड़ दिखाओ भाई ये बछिया दिखाओ पहले कितनी अच्छी बछिया है ये साई वाल बछिया है किसी ने छोड़ दी और जब ये छोड़ दी तो हमने बोला था भाई जिसने छोड़ी है हमने अम्मा से बोला था ये बछिया बहुत अच्छी बछिया बनेगी तो ये बछिया जो है अब आपकी हमने आज चेक कर दी है। हाँ, ये हमने ही सीमन डाला था इसमें। हाँ, तुमने डाला कितने दिन पहले? 2 महीने हो गए 2 महीने हो गए। हाँ। तो 2 महीने की दोस्तों आज ये पीटी कर दी है और पीटी कर दी है ये 51 है 51 रुक गई है क्योंकि ये हीपर्स बछिया जो लोग छोड़ते हैं और हम इसी बात इसीलिए वीडियो बनाते हैं। अम्मा ये बताओ ये जो बछिया जिसने छोड़ी है गलती करी नहीं करी? और करी ना करी है करी ना। बताओ ये जिसके खेत सेवा कर रहे पकड़ लाए लड़कों पकड़ लाए। हाँ खाली पकड़ी तुमने? हाँ खाली पकड़ी हमने तो। जब तुमने नहीं करवाया हम तुमसे कह दिया था ये जिसने भी छोड़ी है अच्छा नहीं करा उसने अच्छा नहीं करा क्योंकि पहली बात तो ये बछिया लोग छोड़ते हैं फिर ये अपना खुद का नुकसान करती हैं और फिर लोग इन पे डंडे फेरते हैं डंडा फेर इससे अच्छा है। और देखो इसका कुछ भी इलाज नहीं किया हमने ना कोई इलाज किया ना कुछ नहीं किया सिर्फ सीमन सीमन डाला है सीमन डालने से 51 रुक गई रुक गई। लेकिन हम मानते हैं कि ये जिस किसान के पास पहले होगी उसने एक दो बार कराई जरूर होगी कराई जरूर नहीं रुकी होगी नहीं रुकी। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये बच्चियों को छोड़ना नहीं चाहिए छोड़ना चाहिए। अब देखो इतनी अच्छी बच्चिया आई है और इसमें तुमने सिर्फ 200 रुपए खर्च करे हैं सीमन के। हाँ और 200 रुपए में आपको ये 20,000 की गाय हाथ लग गई अभी ब्याएगी तो 20-25,000 से कीमत की कम नहीं होगी ये समझे? तो अब 200 रुपए में 20,000 का फायदा हुआ है समझो क्यों कि सिर्फ तुमने ये गाय अच्छा तुमने कहाँ से पकड़ी कहाँ से पकड़ी अच्छा जब तुम पकड़ के लाए तो तुम्हें लगा होगा कि 51 है ये ना कैसे खाली समझ के पकड़ी है 51 समझ के पकड़ी जुबान में तो खा लो झूठ नहीं बोल रही हम तो नहीं कहे 51 है चो ना पर सही है बच्चा ले लो पकड़ के कमी तो 51 रहेगी मतलब। हाँ। बछिया बढ़िया है बछिया बढ़िया है। तो दोस्तों ऐसे पशुपालक का होना भी बहुत जरूरी है जो लोग ये गाय छोड़ते हैं उन सभी पशुपालक भाइयों से मेरा यही कहना है कि भाई गायों को छोड़ो मत इनका ट्रीटमेंट कराओ 51 रुक जाती है और ट्रीटमेंट भी नहीं कराओगे तो अच्छे डॉक्टर से क्रॉस करवाओ मैं मानता हूँ बगैर ट्रीटमेंट के भी ये 51 रुक जाएंगी। जैसे ये बछिया आई है बगैर ट्रीटमेंट के किसी तरह का कोई इलाज नहीं हुआ है सिर्फ सीमन डालने से ये 51 रुक गई है। पिछली बार जब ये हीट पे आई तो इन्होंने मुझे बताया माने क्योंकि इनके पास तुम्हारे पास मेरे हाथ से कई सारे पशु और भी 51 है और 51 ना जुगा ना दो फेर ब्याली तुम्हारे हाथ की दो फेर ब्याली और अब ब्याधर डोल रही है अब भी ब्याधर है। हाँ। और एक कटिया भी करी थी जो रुक नहीं रही थी तुम बता रही थी तो कटिया ब्याली कटिया ब्याली तो इनके पास कई सारे पशु 51 थे इसलिए इन्हें विश्वास था कि डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और ये बच्चा नहीं कराएंगे ऐसा ही है जब तो हम तुम्हें बुलावे। हाँ तो इन्हें विश्वास था इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब को बुलाएंगे ये बच्चे हमने जो पकड़ी है ये नहीं कराएंगे तो इन्होंने उस टाइम पे ये बच्चिया नहीं करा दी और आज हमने ये चेक करी है ग्लव्स हमारे हाथ में हमने ग्लव्स नहीं उतारा बाकी चेक कर दिए और चेक करने बाद ये 2 महीने की कंफर्म प्रेगनेंसी है। अब तो खुश हो? खुश है बिल्कुल। अब इसे छोड़ना मत ना देखो हम तुम छोड़ना करे हमने खल्ला छोड़ी ना अभी हम क्या छोड़ हाँ क्योंकि पहली वाली गाय तो आज देखो पकड़ी हुई थी वो भी और? वो भी 2 बार ब्याली है 2 बार ब्याली कितना दूध दे रही है वो गाय दूध दो 10 लीटर दूध दो और अब भी ये ब्याएगी तो ये भी दूध देगी और तो दूध देगी तो दूध पिलवाओगे नहीं चूना पिलवाऊंगे पिलवाओगी तो चलो तुमने कह दिया हमने पी लिया हमें इसमें खुशी है कि जो पशु हम पिलवाएंगे तुम तो देखो गला यू कहती बात अच्छी बात ये है कि ये गाय 51 रुकती रहेंगी ये गौ माता है ये बेचारी किसी खेत में जाती है लोग डंडे मारते हैं तो इसी एक हमारा यूट्यूब चैनल है हम सोशल मीडिया के माध्यम से सभी पशुपालक भाइयों और किसान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि गाय वाले पशुओं को ना छोड़े ना छोड़े गाय की अगर पालने की हिम्मत नहीं तो किसी को दे दे दान में दे दे लेकिन छोड़े ना छोड़े ना। जैसे ये बछिया छुट गई थी बेचारी इसका कोई कसूर नहीं है या पागा सूर बेचारी अगर ये अब छुट्टी होती तो इसमें पता नहीं कितने डंडे पड़ते कितने जख्म होते पल्लम मारे हैं। हाँ तो अब ये अब बेचारी ये पलेगी और दूध देगी अच्छा खाएगी भी खाएगी अच्छा सब बढ़िया रहेगी हमारे काम से संतुष्ट हो और जो हम काम करते हैं आपके यहाँ संतुष्ट हो
तो दोस्तों अब ऐसी है बच्चियां जो हीपर्स होती है, अभी हीपर्स बच्चिया है, इससे पहले हीपर्स कटिया चेक करी आज मैंने, अभी वो भी गाबन है, ये हीपर्स बच्चिया है। और खासकर हमारा उद्देश्य ये है कि जो हीपर्स पशु है जो दूध नहीं देते, लोगों ने छोड़ देते हैं, जो पशु एक दो बार ब्याह लेते हैं वो दूध देते हैं, तो लोग किसान पालता रहता है उसे, दूध चलो 2 लीटर दूध दे रहा है, लेकिन ये पशु जो हीपर्स होते हैं वो दूध नहीं देते हैं, हीपर्स कटियों को लोग कटवा देते हैं, बेच देते हैं, और हीपर्स बच्चियों को लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, ऐसा करेंगे ये पशु के लिए ये क्रूरता है, ये पशु क्रूरता में आता है, पशुओं के लिए ये एक तरह से एक अपराध है, पशुओं को सड़क पर छोड़ना ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो सभी पशुपालकों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे पशुओं को ना छोड़ें, इनका सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं और ये गाबन रुक जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।